जियो का जो सिम है वो एक्चुअली सिम बेस्ड इंटरनेट की तरफ चला जाता है, वो लोग ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट में कम फोकस है उनका, तो उनका अपना मार्केट है। और जहां तक अट्रैक्शन की बात है तो ऑफकोर्स हम अगर इंटरनेट जैसी चीज फ्री, सस्ते और बेहतर स्पीड्स में प्रोवाइड कर रहे हैं तो अभी तक भी जो हमारे कंज्यूमर्स रहे हैं दे हैव ऑल बीन वेरी हैप्पी। तो हम चाहते हैं कि जब हम इसे टायर टू सिटीज तक भी रोल आउट करें तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली लोगों का उत्साह बना रहेगा और काफी मैं समझता हूँ कि हमें कंज्यूमर्स मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में मैं इनके कॉस्ट के बारे में भी जानना चाहूंगी, मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी काफी इंटरेस्ट हो गया है जानने के लिए, तो प्लीज ये बताएं। जी तो इसका ऐसा है कि जो उसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका दैट इज 10,000 रुपीज, उसमें 7,000 का हमारा राउटर है, 3,000 का डिश है। अब हमारा रैशनल ये था कि भाई आज की तारीख में 750 रुपीज का किसी भी आदमी के लिए घरेलू मासिक इंटरनेट का खर्चा हो ही जाता है, तो 10 महीने में वो करीब 7,500 होता है, एक साल एक महीने और 10 दिन में वो 10,000 रुपए होता है। तो टेक्निकली आपका एक साल में डिश और राउटर फ्री हो जाता है और आपको मंथली जो बिल आप भरते हैं वो भरने की जरूरत नहीं है। तो बी टू सी लेवल पर फोकस यही है कि आपको जो इंटरनेट इज नो मोर अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, तो आपका मंथली बिल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। हाँ, इन ऑर्डर टू सस्टेन ऑपरेशंस फ्यूचर में, इन ऑर्डर टू स्केल अप, हम बी टू सी में भी थोड़ा सा खोल सकते हैं हमारा प्राइसिंग, तो दैट वुड अगेन बी वेरी मिनिमल, लाइक 10 to 20 rupees पर कस्टमर। सो इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट लगता है, काफी सारे कंज्यूमर्स रहेंगे सो वी कैन ऑफकोर्स सस्टेन ऑपरेशंस विद अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, बट अदरवाइज आपको एज कंज्यूमर कोई इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो बिजनेसेस को हम बी टू बी इंटरनेट सोल्यूशन क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज अगेन अ डोमेन दैट हम चाहते हैं कि बढ़े। और इंडिया में क्योंकि स्टार्टअप्स का काफी बूम आया है सडनली, तो इसमें सभी स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं क्लाउड बेस्ड या डाटा बेस्ड सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, तो हम वो उन्हें काफी सस्ते दामों में प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर और अदरवाइज लोगों का विकास हो सके, इंटरनेट के पॉजिटिव पावर का इस्तेमाल ज्यादा हो सके।